हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि बहुत एक्साइटेड है। मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कहाँ से आई हैं ड्राइविंग सीखने, किस प्रोफेशनल में हैं और कितने डेज हो गए उनको आज। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? यादव। ओके, और कहाँ से आई हैं आप ड्राइविंग सीखने? नोएडा। नोएडा से, वेरी गुड। तो आज कितने दिन हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए यहाँ पे? सेवन डेज। कितना समय डेली दिया आपको मैंने? वन आवर। रिटर्न कब जा रही हैं आप नोएडा? कल जा रही हैं। ओके, तो मैं नोएडा आऊँगा तो मिलेंगी ना मुझे वहाँ? क्योंकि मुझे ट्रिक चाहिए ना वापस। ओके, तो आपको कैसा लगा, मतलब जैसे आपके पास टाइम का बाउंडेशन था तो आपको कैसा लगा कि मतलब ये सेवन डेज आपके लिए क्या आ रहा है? मतलब इसको यहीं से लेफ्ट जाना है, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखे रहिएगा। अभी यहीं से लेफ्ट टर्न करो, ब्लाइंड टर्न है, फटाफट ब्रेक छोड़ो। हाँ, छोड़ो ब्रेक, हल्की सी रेस करो, सीधी करो फटाफट, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। स्टीयरिंग सीधा 3/9 पे, गुड। हल्का लेफ्ट आ जाओ, ठीक है। तो आपको क्या लगा कि 7 दिनों में गाड़ी सीखी जा सकती है? हल्का राइट रखो। आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिला? फैमिली में सभी लोगों ने मेरे ही सीखा है। तो दोस्तों, आज इनके 7 डेज हो चुके और मैं आज इनको छोटी छोटी, राइट रखो हल्का, छोटी छोटी गलियों में चलवा रहा हूँ, गलियों में चलवा रहा हूँ, और गलियों में काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो अभी हमें चलना है यहाँ से राइट, राइट का सिग्नल दे दीजिए। हाँ, और राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे, थोड़ी सी स्पीड डाउन कर लीजिए। हाँ, ब्रेक को फ्री करिए। हाँ, अब राइट टर्न करो, राइट यहीं से आराम से अपना राइट वाला ORBM चेक करते रहिएगा। अभी ब्रेक को फ्री करो और हाफ क्लच, कभी भी फुल क्लच रिलीज नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। राइट वाला पैर ब्रेक पे है ना, यहाँ एक्सेलेटर की कोई नीड नहीं है, 1% भी नहीं है। हल्का लेफ्ट आओ। हाँ, अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो और फुल क्लच दबा के इसको फर्स्ट गियर में करो, यहीं से राइट टर्न करना है। सिग्नल दो राइट का, धीरे से हल्का सा ब्रेक लो, गाड़ी की स्पीड 0 पे लेके आओ। थोड़ा आगे निकलने के बाद राइट टर्न करना, ब्लाइंड टर्न है, क्लच को थोड़ा सा रिलीज करना है, बस इसी कट में जाना है अंदर, यहीं से राइट आगे जाके थोड़ा सा, गुड। अभी सीधी करो फटाफट सीधी करो, राइट ज्यादा जा रही है। हाँ, और हल्का लेफ्ट आओ वरना टकरा जाएगी। हाँ, अब सीधी रखो, सीधी बस, आगे से फिर हमें लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट का सिग्नल, लेफ्ट वाले ORBM को चेक करिए, ताकि लेफ्ट वाले ORBM से आपको ना काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। हल्का राइट दबा के लेफ्ट टर्न करना, ब्लाइंड टर्न है, हो सकता कार भी खड़ी हो। बस अब लेफ्ट टर्न करो फटाफट, वेरी गुड। अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते रहिएगा, सीधी करो। राइट वाला पैर यहाँ पे ब्रेक पे ही रहेगा, एक्सेलेटर की कोई नीड नहीं है, और ज्यादा राइट मत सकते। देखा ऐसे आते अचानक बच्चे। ब्रेक छोड़ो जाओ धीरे से, चलो हल्का लेफ्ट आओ, ऐसे बच्चे आते अचानक। देखा, 1 सेकंड में देख कहाँ रहा है, चल कहाँ रहा है, और बस इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी। हल्का लेफ्ट आ जाओ। हाँ, हल्का राइट रखो, वापस लेफ्ट आओ। हाँ, ऐसे हादसे होते हैं और फिर होता है कि कार वाले ने मार दिया, आपने देखा? अगर सही टाइम पे आपने ब्रेक नहीं लगाया होता तो बच्चा टकरा गया था। हालांकि उसका हाथ, राइट रखो, हालांकि वो बोनेट पे टकरा ही गया था, क्योंकि वो देख सामने रहा था। अभी यहाँ क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहिएगा। हाँ, हल्का राइट रखो, राइट। हाँ, वापस लेफ्ट आओ लेफ्ट। हाँ, बस सीधी रखो। अब यहीं से हमें लेफ्ट टर्न करना है, सीधी करो स्टीयरिंग। हाँ, 3/9 का ध्यान रखो, बस जाने दो धीरे धीरे। अब आधी जब आपका बोनेट निकल जाए फिर टर्न करना है। हाँ, टर्न करो फटाफट टर्न करो, क्लच ब्रेक को फ्री कर दो। हाँ, जाने दो, सीधी करो। देखो, बिना एक्सीलेटर गाड़ी उठ गई, तो बस हमें ये टाइमली क्लच कब रिलीज करना है। बिना एक्सीलेटर फर्स्ट गियर में आप मतलब ऊंची से ऊंची चढ़ाई चढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न करना है, बस अब टर्न करो फटाफट, बच्चे हैं, देखो सीधी करो। देखा, जरा सा भी मोगली हिला नहीं, हिला वो देख रहा था लेकिन हटा नहीं, कह रहा था दीदी नहीं हटूंगा, देखते हैं मेरी परीक्षा ले रहा है। चलने दो धीरे धीरे। एक्चुअल में क्या होता है ना, क्या नाम बताया था आपने, मैं भूल गया, दिव्या। होता है क्या है ना कि सीधा रोड पे चलाना कोई कला नहीं होती है। इन गलियों में
ना चाह के भी आपकी बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस हो रही है, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो रही है, नजरों की, लेफ्ट एंड राइट वाले आरबीएम को देखना, स्टीयरिंग लेफ्ट एंड राइट टर्न करना, 90 डिग्री से स्टीयरिंग टर्न करना, राइट वाला लेग ब्रेक पे आना, एक्सेलेटर पे जाना, ठीक है, हॉर्न देना, सिग्नल्स देना। तो गलियों में चलाने से ना काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी उसमें हैबिट में आ जाती हैं, ना चाह के भी। अगर आप और सीधा सीधा, ना तो आपको हॉर्न देने की जरूरत है, ना आपको सिग्नल देना पड़ेगा, ना कभी आपको 90 डिग्री से स्टीयरिंग टर्न करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको गियर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि जिन्होंने गलियों में, जिस एरिया में मैं आपको चलवा रहा हूँ, ये कल्याणपुर एरिया है, ठीक है, लखनऊ का सबसे मशहूर एरिया है, छोटी छोटी गली है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है, लखनऊ का अमीनाबाद है, वैसे ये कल्याणपुर बहुत बड़ा एरिया है, ये है ना, करीब 3-5 किलोमीटर्स की रेंज में है ये। तो इससे काफी छोटी छोटी गलियां हैं, बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, हल्का सा राइट रखो, ज्यादा नहीं, बस रोक लो यहाँ पे, पूरा क्लच देन ब्रेक, जाने दो अभी उसको, निकलने दो, अब पहले ब्रेक छोड़ो फिर धीरे से क्लच चलो। ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आए तो वहां पे ना आपको क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को रोक लेना है, क्लच लेके देन ब्रेक लेके गाड़ी को रोक लेना, ताकि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। जब हम पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को रोक देते हैं तो जिम्मेदारी किस, राइट चलना, जिम्मेदारी किसकी होती है, जो हमारी बगल से निकल रहा होता, अभी यहीं से हमें राइट टर्न करना, अपना लेफ्ट दबा के, आप हॉर्न बहुत बजाती है, राइट वन टाइम बजाया करिए ना, राइट टर्न करो, लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, जैसे आप 3 बजाती है टे करके, तो एक ही बार उसको करिए, सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो फटाफट फटाफट बस। हाँ, छोटी-छोटी गलियां, लोग बहुत आते हैं, बस एकदम सीधा चलना है इन गलियों में, जिसने कार ड्राइव कर ली ना वो सदा सुखी रहेगा, हल्का लेफ्ट आओ, एकदम स्ट्रेट चलना है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, क्योंकि इधर से कोई भी व्हीकल आ सकता है आपके लेफ्ट साइड से, खतरा हमें सामने से नहीं होता है, खतरा हमें साइडों से होता है, हल्का लेफ्ट आ जाओ, सीधी रखो। अब जिस गली में मैं ले जा रहा हूं ना, वो खतरों के खिलाड़ी वाली गली है, ध्यान रखना, ठीक है, हार्ट बीट को संभाल के रखो, राइट का सिग्नल दो, तो भैंस भी आ गई, अभी आना था उसको, स्लो करके इसी गली में राइट राइट, जिसमें भैंस जा रही है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, बस यहीं से राइट टर्न करना धीरे धीरे, हाँ आगे जाके थोड़ा सा, अब राइट टर्न करो, टर्न करो फटाफट, हाँ अभी सीधी करो, फटाफट सीधी करो, रोक लो इनको, निकलने दो, हाँ चलो अभी जाओ, धीरे धीरे पहले ब्रेक छोड़ो, चलो अब धीरे धीरे खिसकाते हुए हाँ सीधी करो स्टीयरिंग, और सीधी करो और सीधी करो, लेफ्ट आओ हल्का, खड़ी गाड़ी में नहीं पता चलता, निकाल लो राइट से, उसने साइड दे दिया, सीधी करो, निकालो जाओ बढ़ा के, राइट दबाओ, राइट निकालो, फुर्ती से निकालो। अरे यार आप स्टीयरिंग को ना बहुत ज्यादा घुमा देती हैं, अभी मैंने आपको बोला था कि हल्का निकालो, बस राइट हल्का, राइट ओको, राइट राइट, लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, जल्दी 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 जल्दी, बस सीधी करो, सीधी करो सीधी। अब एक्चुअल में पता है आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है दिव्या जी, राइट ओको हल्का, कि आप स्टीयरिंग को हर बार छोड़ छोड़ के पकड़ रही हैं, स्टीयरिंग को हर बार छोड़ छोड़ के पकड़ रही हैं, पेन को छोड़ छोड़ के लिख पाएंगी, पेन को अगर छोड़ेंगी तो लिख पाएंगी, ये स्टीयरिंग जिस जगह इस जगह आपके हाथ फिक्स होनी चाहिए, अगर 10-20 डिग्री से स्टीयरिंग लेफ्ट एंड राइट आप मूव कर रही तो स्टीयरिंग को बार बार छोड़ना नहीं होता है, इसलिए आपको उसका अंदाजा नहीं मिल पा रहा है, सर्दियों में पसीने आ रहे हैं आपको क्या बात है, राइट रखो, स्लो करो धीरे से, हाँ हल्का लेफ्ट ही रखना, ज्यादा राइट नहीं जाना है, हाँ। हल्का राइट रखो, हाँ वापस लेफ्ट आओ, बस हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस सीधा जाना, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, बस एकदम सीधा, देख लो कैसी गलियां, उबड़ खाबड़, 2 ऊपर 3 नीचे, अप हील डाउन हील, और सामने फिर अप हील आ रही है, देखो ठीक है, इंटरलॉकिंग रास्ता है, लोग भी चल रहे हैं और मेन रोड भी आ रहा है, हाँ लेफ्ट आओ और लेफ्ट, बाजी जा रही है ध्यान रखना, हल्का लेफ्ट आ जाओ और लेफ्ट, बस सीधी करो, सीधी सीधी करो फटाफट, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, सिग्नल थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो वरना गाड़ी बैक आ जाएगी, हाँ अब यहीं से लेफ्ट टर्न करना, हल्का एक्सेलेटर लेके रखो, लेफ्ट टर्न करना स्टार्ट करो, टर्न करो और बस ब्रेक पे पैर ले आओ, गुड, अभी सीधी करो, हल्का सा लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट और बस सीधी करो, लेफ्ट ही रखो, अब रोक लो यहाँ पे, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप कर लो, स्टीयरिंग सीधी करो, ऐसी ब्रेक लगा रही हूँ जैसे मैं आपकी गोद में आ जाऊँ,
दोस्तों आपने देखा छोटी छोटी गलियों में मैडम ने गाड़ी बहुत जबरदस्त चलाई, हालांकि नोएडा में ऐसी गलियां नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने इनको सिखाया है काफी बेटर है, बट जब ये अकेले चलाएंगी तो और ज्यादा बेटर चलाएंगी, क्योंकि वहां पे 100% इनका माइंड रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।